अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट। इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। इनपुट जो होती है द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को जो प्रोग्रामर जब कोई वैल्यू इंटर करता है, कोई वैल्यू देता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, तो वो इट मींस प्रोग्रामर जो है इनपुट कर रहा होता है कंप्यूटर को, ठीक है। फिर कंप्यूटर क्या करता है और इनपुट वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम का रिजल्ट स्क्रीन पे शो करवाता है, उसको हम कहते हैं आउटपुट। जब प्रोग्रामर इनपुट देता है, सबसे पहले प्रोग्रामर क्या करता है, इनपुट देता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है उस इनपुट वैल्यू के अकॉर्डिंग, और फिर रिजल्ट स्क्रीन पे शो करवाता है। वो जो रिज़ल्ट शो होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास आउटपुट। गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट, यानी गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इनपुट एंड गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। अब इनपुट किसके थ्रू होती है, कि इनपुट हम विया कीबोर्ड के थ्रू करते हैं, और आउटपुट जो होती है हमारी मॉनिटर पर या स्क्रीन पर शो होती है। जब यूज़र प्रोग्रामर जो होता है इंटर करता है वैल्यू को, वो कीबोर्ड के थ्रू करता है, और जब कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है इनपुट वैल्यू के अकॉर्डिंग, और फिर उसका रिजल्ट जो डिस्प्ले करता है वो मॉनिटर पे और स्क्रीन पर करता है। अब इनपुट के लिए जो हम C++ में इनपुट के लिए जो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है। इनपुट के लिए स्ट्रीम ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो यूज़ करता है C++ Cin, और आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं C++ में आउटपुट के लिए स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को क्या यूज़ होता है, Cout। अब Cin के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ होता है, और Cin के साथ Cin के साथ जो होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ होता है, और Cout के साथ इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ होता है। इस ऑपरेटर को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और इसको हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। अब ये दो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। एक ऑब्जेक्ट हमारे क्या हैं, Cin एंड Cout। अब C++ जो अपने स्टैंडर्ड्स इनपुट और आउटपुट में स्ट्रीम ऑब्जेक्ट जो यूज़ करती है वो ये दो हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है हमारे पास, कि जब हम हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें यूज़र्स से प्रोग्रामर से वैल्यू इनपुट करनी है और उसका रिज़ल्ट शो करना है, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट हेडर फाइल है वो कौन सी यूज़ होगी प्रोग्राम में। अगर हम वो इम्पोर्टेंट हेडर फाइल यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा कंप्यूटर में प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमारे पास हम प्री प्रोसेसर हेडर में जो यूज़ करेंगे हेडर फाइल वो है iostream.h। ये हेडर फाइल जो है हम मस्ट यूज़ करेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में, जब हमने अपने प्रोग्राम में Cin और Cout स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, तो ये फाइल मस्ट है कि हम इस हेडर फाइल को ज़रूर अपने प्रोग्राम में यूज़ करें, अदरवाइज़ हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम अपनी एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें इनपुट आउटपुट की जो स्टेटमेंट है ये यूज़ होगी, कि ये इनपुट आउटपुट का जो Cin Cout ऑब्जेक्ट स्ट्रीम है वो कैसे हम यूज़ करेंगे उसको हम देखते हैं। कि अब मैं एक प्रोग्राम बना रही हूँ जिसमें वो हम प्रोग्राम जो है कंप्यूटर यूज़र से इनपुट भी लेगा, और जो वैल्यू इनपुट लेगा यूज़र से लेगा इनपुट कीबोर्ड के थ्रू, उसी वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा स्क्रीन पर, ठीक है। सबसे पहले मैं इधर हेडर फाइल यूज़ कर रही हूँ, इंक्लूड ये iostream.h मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमने
इनपुट आउटपुट के स्टैंडर्ड सी आउट और सी इन यूज़ करने हैं अपने प्रोग्राम में, इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि हम iostream.h यूज़ करें, क्योंकि हमने सी इन सी आउट को यूज़ करना है। अब एक और हेडर फाइल मैं यूज़ कर रही हूँ अपने प्रोग्राम में, वो है conio.h। ये conio.h क्यों मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम में एक फंक्शन यूज़ करने हैं क्लियर स्क्रीन का और गेट सी एच का। ठीक है, अब मैं अपना प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इंट मेन भी यूज़ कर सकती हूँ और वाइड मेन भी यूज़ कर सकती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ वाइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, वेरिएबल है मेरे पास n। ये मैंने क्यों वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये वेरिएबल मैंने इसलिए डिक्लेयर किया है ताकि जब यूज़र जो है कोई वैल्यू कीबोर्ड से इंटर करेगा, उसके लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हमारा प्रोग्राम कहेगा प्लीज़ इंटर द वैल्यू, तो यूज़र ने प्रोग्रामर ने वैल्यू 5 इंटर की है हमारे प्रोग्राम को कंप्यूटर को, तो वो 5 वैल्यू किसके पास पास होगी, वो 5 वैल्यू आएगी हमारे इस वेरिएबल के पास n के पास। n में n हो जाएगा, n इज़ इक्वल टू 5, n में हमारी 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये क्या होता है, n जो है वेरिएबल जो होता है कंप्यूटर की मेमोरी में अपनी लोकेशन फिक्स कर लेगा जहाँ पे अपनी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब हम यहाँ पे एक मैसेज शो करते हैं स्क्रीन पे, जहाँ पे कंप्यूटर यूज़र को कहेगा प्लीज़ इंटर द वैल्यू, स्क्रीन पे एक रिज़ल्ट शो करेगा यूज़र को कहने के लिए, स्क्रीन पे एक मैसेज शो करेगा यूज़र को कहने के लिए कि प्लीज़ कुछ वैल्यू इंटर की जाए ताकि हमारा प्रोग्राम आगे प्रोसेस कर सके। तो अब स्क्रीन पे शो करना है हमने मैसेज, तो स्क्रीन पर शो करने के लिए सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, मैसेज हमेशा इन्वर्टेड कोमाज में लिखा जाता है। तो अब ये क्या होगा, प्लीज़ इंटर द वैल्यू इन्वर्टेड कोमाज में बन। जब सी आउट स्ट्रीम के साथ, ऑब्जेक्ट स्ट्रीम के साथ इन्वर्टेड कोमाज में हम ये कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे, आप अपना नाम लिख दें, मेरा नाम लिख दें, किसी का भी नाम लिख दें या कोई भी मैसेज लिख दें, स्क्रीन पर एज इट इज़ वही मैसेज शो हो जाएगा, ये प्लीज़ इंटर द वैल्यू, कंप्यूटर यूज़र को कहेगा प्लीज़ इंटर द वैल्यू। फिर यूज़र ने क्या करना है, फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एंड, प्रोग्रामर ने ये एन इसलिए लिखी है, जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो सबसे पहले जो है हमने इस वाइड मेन प्रोग्राम में क्या किया, हमने कंप्यूटर की मेमोरी में एक अपनी लोकेशन बनाई है, लोकेशन फिक्स की है जहाँ पे यूज़र की इंटर की हुई वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी में अब हमारी एक जगह फिक्स हो गई है, ये लोकेशन फिक्स हो गई है। फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वहाँ स्क्रीन पर मैसेज शो होगा सी आउट ने ऑब्जेक्ट ने मैसेज प्रिंट करवाना है प्लीज़ इंटर द वैल्यू, प्रोग्रामर इंटर द वैल्यू का मैसेज रीड करेगा। और फिर जब प्रोग्रामर अपनी कीबोर्ड से इनपुट करेगा कोई वैल्यू, तो वो इनपुट किस में आएगी, इस एन में, जो मेमोरी लोकेशन एन के नेम से कंप्यूटर में प्लेस हो गई थी, उस वहाँ पर ये वैल्यू यूज़र ने जो इंटर की है वो इस एन में इंटर हो जाएगी। ठीक है, अब फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कि सी आउट एन। ओके, जब सी आउट एन करेंगे तो फिर क्या होगा, सी आउट एन, एन की जगह पे हमारा मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, सॉरी इस तरह से हम प्रिंट करवाएंगे सी आउट द वैल्यू इज़ कंप्यूटर, ये मैसेज करेगा द वैल्यू इज़ ये नो इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास क्लोज इंसर्शन ऑपरेटर एंड
ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब फिर हम क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम क्लोज करेंगे, गेट सी एच, ये क्लोज हो गया। अब ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा कि सबसे पहले हमने अपना वेरिएबल डिक्लेयर करवाया कि हमने कंप्यूटर में आपकी मेमोरी में अपनी एक पोजीशन जो है फिक्स कर ली है, वो एन के नेम से है, ठीक है, एन के नेम से आ गई। उसके बाद ये दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, सी आउट प्लीज़ इंटर द वैल्यू, कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारी जो है ये पहले शो होगी, ये आउटपुट मैं राइट कर रही हूँ इसकी, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर शो होगी आएगा प्लीज़ इंटर द वैल्यू। ओके, कंप्यूटर पे सबसे पहले ये शो होगा, फिर यूज़र पढ़ेगा इस चीज़ को, ठीक है, यूज़र को इसका नहीं पता ये रन हो रहा है, कंप्यूटर इस पे प्रोसेस कर रहा है इस कोड पे, लेकिन यूज़र जो है ये पढ़ेगा प्लीज़ इंटर द वैल्यू। मैं यूज़र हूँ, मैंने इंटर कर दी है वैल्यू 5, ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी में एन की जगह पे एन के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई है 5 हमारी। ओके, अब हमारी जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो यूज़र इंटर कर देगा वैल्यू 5, देन लास्ट स्टेटमेंट जब हमारा एग्जीक्यूट होगी तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या मैसेज शो होगा, द वैल्यू इज इक्वल टू 5, जो यूज़र ने इंटर की है वैल्यू वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो होगी। ये जो हमारी मैंने स्टेटमेंट लिखी है ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो होगा, ये एग्जीक्यूट, ये कोड कंप्यूटर रन करेगा, ये हमें नज़र नहीं आएगा, और हमें सिर्फ ये नज़र आएगा कि प्लीज़ इंटर द वैल्यू, यूज़र फिर वैल्यू इंटर करेगा और फिर उसके बाद ये रिज़ल्ट शो हो जाएगा, द वैल्यू इज़ 5। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र 10 वैल्यू इनपुट कर देता है, जब वैल्यू मांगते तो वैल्यू आ जाएगी 10, जो वैल्यू जो है यूज़र इंटर करेगा वही वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरह से हम अपने प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट के लिए ऑब्जेक्ट स्ट्रीम का यूज़ करते हैं, सी आउट ऑब्जेक्ट स्ट्रीम और सी इन ऑब्जेक्ट स्ट्रीम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मैंने इनपुट का यूज़ बताया है और एक आउटपुट का इस्तेमाल बताया कि ये प्रोग्राम में हम कैसे इनपुट की स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और कैसे आउटपुट की स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे।